अब बताओ क्या हुआ? मैं आजाद हो गया हूं पापा, मैं आजाद हो गया हूं। किससे आजाद हो गए हो? चांदी के ख्याल से। What rubbish! Oh yes, Pop. Oh yes. And I just can't tell you what a great feeling it is. What a great feeling. आज मुझे एहसास हो रहा है पॉप कि इतने दिनों से जिस पिंजड़े में मैं बंद था उसके दरवाजे मेरे लिए हमेशा खुले थे। तू क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। Very simple, Pop. Very simple. मैं अब चांदनी के साथ शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं। अरे चांदनी, पता है केदार का दिमाग ठंडा रखने के लिए मैं और बद्री पता नहीं क्या क्या करते थे। बद्री बताना इसे। अरे तुम्हारे लिए तो न जाने किस किस तरह की एक्टिंग की है चांदनी। अरे जब देखते थे केदार के दिमाग का पारा ऊपर चढ़ रहा है ना, तो पता है मैं क्या करती थी? जोरों से सांस लेना शुरू कर देती थी। और उसके बाद भाई साहब घबरा कर, क्या हुआ बीजी, बीजी क्या हुआ? अरे बेटे, तुझे ढूंढने के लिए तो मैं कब्र तक जा सकती हूँ। तेरी बहुत याद आती थी पुत्र, दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते थे, लेकिन भगवान जो कुछ करता है ठीक ही करता है। देख, अब केदार खुद राजी हो गया ना तेरी शादी अमन से करने के लिए। कोई सोच भी सकता था हाँ कि अमन को ढूंढने के लिए खुद जाएगा और उसे इंडिया लाने की कोशिश करेगा? हाँ पापा, और अमन के बारे में क्या बातें हो रही है? तू बैठ तो सही, बैठ के बात करेंगे। मैंने पूछा पापा और अमन के बारे में क्या बातें हो रही है। बिल्कुल सही सुना तुमने भाई साहब, अमन की तलाश में, अमन लापता है। अरे सुन सुन, ओफो, किधर का सारा गुस्सा इस लड़के में है, देखा ना गुस्सा होकर चला गया। बीजी, अब राजेश की नाराजगी की कोई अहमियत नहीं। भाई साहब तैयार है ना, किसी भी हालत में अमन और चांदनी की शादी तो होकर ही रहेगी। अनु प्लीज स्टॉप इट, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। मैं भी अभी से बात कर रहा हूं पॉप। मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारे और चांदनी के बीच में क्या हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, अगर कुछ हुआ होता तो बात अलग थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं। आई जस्ट डोंट लाइक हर एनीमोर। व्हाट यू मीन यू डोंट लाइक हर एनीमोर? इज दिस सम काइंड ऑफ अ जोक? अरे कल तक तुम्हारे मुंह से सिर्फ चांदी का नाम निकलता था और आज तुम कह रहे हो कि वो तो बेपसंद नहीं। प्लीज प्लीज मुझे बताओ कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ। कुछ भी नहीं पापा। अन्नू, तुम्हारी शादी होने वाली है उससे। होने वाली थी पापा, होने वाली थी, लेकिन अब नहीं। और मैंने कहा ना आपसे, आई डोंट लाइक हर एनीमोर। चांदी में, चांदनी में अब वो बात नहीं रही। अच्छा, तो फिर मॉरिशस क्यों गए थे उसे मिलने के लिए? हाँ, क्यों कुआलालंपुर में अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ वापस आए? Relax, Paul. Just relax and take it easy. Relax. अब बोलो, मेरे सर पर हाथ रखकर बोलो कि चांदनी तुम्हें पसंद नहीं है, फिर मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगा। मैं ये कसम उसमें नहीं मानता। अरे मैं मानता हूँ, मेरी कसम खाओ अनु और कहो कि तुम्हें चांदनी पसंद नहीं है। बोलो, मेरी कसम खाओ अनु। Why the hell are you forcing me to talk, Pop? मैं कुछ बात नहीं करना चाहता हूँ। अनु, I don't want to talk about it, Pop. I don't want to talk about it. क्या हुआ? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। आओ राजेश, हम बाहर चलते हैं। प्लीज मेरी बात मानो। देखो, जब इस बात से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम इस बात को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो? ये हरगिज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता राजेश? चांदनी की खुशी इसी में है। इसमें चांदनी की बर्बादी है, हमारे खानदान की बदनामी है इसमें। राजेश, हम सब ने देखा है चांदनी और अमन एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, और जब केदारनाथ अंकल इस बात को मान चुके तो हमें भी मान लेनी चाहिए। कितना सपोर्टिंग है, वरना इस वक्त तो मुझे सूली पर लटक जाना चाहिए। नहीं, तो मुझे भी ये लग...
लगता है कि हमें चांदनी और अमन के बीच में नहीं आना चाहिए। और वैसे भी दो प्रेमियों को अलग करने का कॉन्सेप्ट काफी पुराना हो चुका है। मैं आजकल तो जो भी फिल्में इस कॉन्सेप्ट पर बनती है वो भी फ्लॉप हो जाती है। इसलिए चांदनी और अमन, मैं अपनी बहन की शादी किसी पाकिस्तानी से नहीं होने दूंगा। राजेश मेरी बात, हेलो अनु, मैं चांदनी, तुम्हें अपना नाम बताने की कोई जरूरत नहीं, मेरा मोबाइल तक तुम्हें पहचानता है। अनु भैया वहां आए थे? हाँ, इनफैक्ट अभी अभी आया था, काफी गुस्से में भी था। मैंने समझाने की कोशिश की है। थैंक यू अनु। तुम्हें पता है ना, यू ऑलवेज वेलकम। बाय बाय। कितना समझाया था हमने सोहेल और राहुल को कि फरीदा भाभी से इस बात का जिक्र न करें कि अमन और चांदनी मॉरिशस में है, लेकिन जबान फिसल गई, अब अंजाम सामने। और हम तो झूठे हो गए ना फरीदा भाभी की नजरों में, वो तो यही सोचकर बैठी होंगी कि अमन और चांदनी को मॉरिशस जाने के लिए हमने मदद की थी। मुझे उस बात की कोई चिंता नहीं है, बस बच्चे खुश होने चाहिए, और हमने कोई गलत कदम तो नहीं उठाया। हेलो, प्रॉब्लम? आप टेंशन में लग रहे एकदम। हाँ बेटा, हम अमन को लेकर फिक्रमंद है। ना ना चाची, ना, आप कमाल करती है चाची। वो देखो वहां दूर, वो पप्पू बेटा है ना, हेलो, वो बहुत बड़ा जिद्दी पप्पू है, और अगर उस बप्पू ने तान लिया है कि अमन और चांदनी की शादी होगी तो अमन और चांदनी की शादी होगी। उसमें बड़े से बड़े 30 मार खान में कुछ नहीं कर सकते। और भाई यही खुशखबरी तो हम आपको देने के लिए आए थे। कैसी खुशखबरी? मैं सुनाऊं? क्या आप सुनेंगे? मैं सुना रहा हूं। द गुड न्यूज इज दैट के केदारनाथ जी अमन को ढूंढ रहे, और तो और वो दोनों की शादी के लिए तैयार भी हो गए। मुबारक हो चाची। तेरा लाख लाख शुक्र है। लेकिन ये बात तुझसे किसने कही? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। अरे मेरे पास गवाह है, गवाह, पोख्ता गवाह, ऐसा गवाह जिसे देखकर आप दोनों के होश उड़ जाएंगे। लीजिए, पेश है आपके सामने गवाह नंबर एक, हाजिर हो। कंफ्यूजन? नो प्रॉब्लम, आई इंट्रोडक्शन। ये है आपके घर की बहू चांदनी। चांदनी? सदा खुश। जमाने की सारी खुशियां तुम्हें हासिल हो। ठीक है, खुशियां खुशियां बस हो गया। अभी क्या थोड़ा बीड़ा वीड़ा का बंदोबस्त करो, बहुत भागना पड़ता है। अरे आज तो मैं तुझे इतनी मिठाई खिला सकता हूँ कि तेरा हाजमा खराब हो जाएगा। अब बैठो। आप बैठिए। अरे मैं अब कहाँ बैठ सकता हूँ, मैं जरा मस्जिद होकर आता हूँ। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना बहुत जरूरी है। बैठो, मैं आता हूँ। चलो मैं अभी चलता हूँ। तुम क्या करोगे? वो रास्ते में ना मिठाई की दुकान, गुलाब जामुन खाएंगे। नहीं ठीक है, आपको रसगुल्ले पसंद है? फाइनल। ये पीछा नहीं छोड़ेगा। चल चल। ए यू सिट, आई कम। जानने के लिए मैं खुद तरस रही हूँ। मतलब?
लड़का मुझे देखे बगैर घर से बाहर कदम नहीं रख सकता था, आज मुझे देखकर कदम रख लेता है। लेकिन ऐसा क्यों? जिन बातों ने तुम्हें और अमन को एक दूसरे से दूर रखा, उन्हीं बातों की वजह से आज मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया है। आप फिक्र मत करिए चाची, जिन बातों की वजह से मैं और अमन कभी एक दूसरे से दूर नहीं हो सके, उन्हीं बातों की वजह से सोहेल भी आपसे ज्यादा दिन दूर नहीं रह पाए। हेलो हेलो गायत्री, मैं बोल रहा हूँ, कैसे हो तुम लोग? आप हैं कहाँ? क्यों, चांदनी ने नहीं बताया? हाँ, उसने मुझे बहुत कुछ बताया। सब कुछ बता दिया? सब कुछ क्या बता दिया? यही कि आप अमन से उसकी शादी करने के लिए तैयार हैं। शादी के लिए तैयार हैं, बस इतना ही बताया ना? इतना ही नहीं, उसने मुझे ये भी बताया है कि अमन लापता है और आप उसे ढूंढने में लगे हुए हैं। आपको हो क्या गया है? इतना सब कुछ हो जाने के बाद आप उसे ढूंढ रहे हैं, और फिर अगर अमन आपको मिल जाएगा तब आप क्या करेंगे? उसे हिंदुस्तान लेकर आएंगे, अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में देंगे, उन दोनों का निकाह करवाएंगे? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? गायत्री शांत हो जाओ, मैं यहाँ उसे ढूंढने के लिए नहीं रुका हूँ। अगर आप उसे ढूंढ नहीं रहे तो क्यों रुके हुए? वापस आ जाइए। हाँ बस एक दो दिन में वापस आ जाऊंगा, और चांदनी से कह दूंगा कि वो हमेशा के लिए लापता हो गया। आपको क्या लगता है कि आप चांदनी को ये कहेंगे कि अमन लौट कर वापस नहीं आ रहा और वो मान जाएगी? उसे मानना ही पड़ेगा गायत्री, मैंने सोच लिया है, अब अमन हिंदुस्तान कभी वापस नहीं आएगा, ये मेरा वादा है तुमसे। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, इतनी देर से तुमसे बातें किए जा रही हूँ और अभी तक चाय भी नहीं चढ़ाई। उसकी कोई जरूरत नहीं है चाची। नहीं नहीं बेटी, ये तो रिवाज के खिलाफ है, आज से तुम्हें चाय नाश्ता लेकर ही जाना होगा। चाची अब क्यों परेशान हो रही हैं? बस बेटी दो मिनट, आज तुम्हारा मुंह मीठा किए बगैर मैं नहीं जाने दूंगी, मैं अभी आई। लो जी, हम तो गए थे बड़े मियाँ के साथ, अब लौटे हैं छोटे मियाँ के साथ। भाभी नमस्ते। कैसे हैं सोहेल? राहुल ने बताया जाहिर है बहुत खुश हूँ। किसके लिए? आपके और अमन के लिए। और क्या सोहेल, वो मैं अमन से शादी नहीं कर सकती। क्या? मैं समझा नहीं। मेरी तरफ क्या देखता हूँ? मैं भी तो उसी दरवाजे से आया ना जिस दरवाजे से तू आया था। तुम पूछो। आप ये मजाक कर रही हैं ना? नहीं सोहेल, मैं सच कह रही हूँ, और इस बात का एहसास मुझे यहाँ आने के बाद ही हुआ। मतलब ये कि अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि हो सकता है मेरी और अमन की शादी के 20 साल बाद मेरा बेटा अचानक मुझसे बात करना बंद कर दे, इसलिए क्योंकि मैंने एक हिंदू परिवार में जन्म लिया है। तो आपके कान भर दिए गए सोहेल, ये सब क्या है? अभी आप नहीं समझे। सोहेल मैं इतना तो समझती हूँ कि जिस इंसान ने मेरे और अमन के प्यार को मंजूर किया वो इन सब दायरों से दूर होगा। देखो उनका धर्म। भाभी आप नहीं समझेंगी। चाय ठंडी हो रही है। नहीं चाची, सोहेल को खुद भी पता है कि इसका गुस्सा बेबुनियाद है। अबे तू क्या देख रहा है? मेरा बज रहा है, मेरा ही है। हेलो हाँ। ओके।
मैं तेरे को अलग सुनाऊं क्या? चल बैठ। चांदनी, चांदनी, शीना, अमन, अमन कहाँ थे तुम इतने दिन? शीना, चांदनी कहाँ है? क्या मतलब? चांदनी इंडिया वापस चले गई। क्या मजाक कर रही तुम मेरे साथ? सच में ना बताओ ना चांदनी कहाँ है? कहाँ है चांदनी? केदारनाथ जी वो अपने शहर के पास में। अमन, अमन, अमन। सुनील, इनकी बीजी किस रूम में? मिस्टर शर्मा की फैमिली से कोई एडमिट हुआ है? हाँ हाँ बिल्कुल मैं कर लूँ। बोली ऐसी बात नहीं है, हम लोग बाहर भी तो बात कर सकते हैं। कैंटीन में बैठे ना, सॉलिड पटाटा वड़ा मिलता है, चटनी फ्री।